और जयपुर ग्रेटर नगर निगम से इस वक्त की बड़ी खबर है, सफाई कर्मचारियों के हड़ताल को देखते हुए महापौर बैठक ले रही हैं। ग्रेटर निगम के हॉल में ये बैठक शुरू हुई है। महापौर सौम्या गुर्जर सहित निगम के अधिकारी मौजूद हैं। एडिशनल कमिश्नर सीमा कुमार, उपायुक्त स्वास्थ्य नवीन भारद्वाज, सभी जोनों के जोन उपायुक्त भी बैठक में मौजूद है। सफाई करने वाली सभी फर्मों के प्रतिनिधि भी बैठक में शामिल हुए हैं। हड़ताल को देखते हुए संसाधन बढ़ाने की महापौर ने बात कही है। अधिकारी भी फील्ड में रहकर सफाई व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। और संवाददाता भारत दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारत, बैठक इस वक्त जारी है, ग्रेटर निगम के हॉल में बैठक शुरू हुई है, मुख्य एजेंडा बैठक का विस्तार से जानना चाहेंगे, क्या हड़ताल को देखते हुए ही इस बैठक को माना जाए? देखिए बिल्कुल श्वेता, जिस तरह से संयुक्त वाल्मीकि सफाई कर्मचारियों ने पिछले 3 दिन से हड़ताल का ऐलान यहाँ पर कर रखा है, इसको देखते हुए जिस प्रकार से शहर की जो सफाई व्यवस्था है वो नहीं बिगड़े, उसको लेकर महापौर सौम्या गुर्जर ने आज बैठक बुलाई है, जिसमें एडिशनल कमिश्नर सीमा कुमार की बात करें, उपायुक्त हेल्थ नवीन भारद्वाज की बात करें, इसके साथ साथ तमाम जितने भी जोनों के डीसी हैं, उपायुक्त हैं, वो इस बैठक में मौजूद है। और इस बैठक के को बुलाने के पीछे यही कारण है कि जिस प्रकार से सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं और सफाई व्यवस्था किसी प्रकार से शहर की बिगड़े नहीं, इसको लेकर तमाम जितने भी अधिकारी, उनको निर्देश दिए गए हैं कि अपने जितने भी नगर निगम के संसाधन हैं वो पूरी तरह से फील्ड में उतार दिए जाएं। इसके साथ साथ निगम के जितने भी अधिकारी हैं वो भी फील्ड में रहकर सफाई व्यवस्था का समय समय पर जायजा है वो लेते रहे, जिससे शहर की सफाई व्यवस्था है बेपटरी नहीं हो सके। आपको पता है कि सफाई कर्मचारियों की भर्ती को लेकर वाल्मीकि समाज के जो सफाई कर्मचारी थे उन्होंने हड़ताल का ऐलान है वो यहाँ पर किया था। पिछले 3 दिन से शहर में जो झाड़ू है वो अभी तक नहीं लगा है, जिसके चलते जगह जगह कचरे के ढेर दिखाई देने लगे हैं। बस उसी को देखते हुए महापौर सौम्या गुर्जर ने बैठक है वो बुलाई है। चलिए भारत, क्योंकि बैठक जारी है, अपडेट आपसे आगे भी लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।